मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु भला है। मेरे प्रिय लोगों, जीसस मिट्स यूट्यूब फैमिली, जीपीएस रॉबिन्सन, फेसबुक में जितने परिवार मिले हुए हैं, जब जब आपको याद करता हूं मैं आनंदित होता हूं। हर दिन ऑनलाइन में हमारे साथ मिलकर संदेशों को सुन रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, यह बहुत ही सामर्थ्य और उत्साह हमें लगातार देता रहता है। परमेश्वर की स्तुति हो। ठीक उसी तरह हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक शॉर्ट मैसेज या छोटा सा संदेश आपके मन में एक नया सामर्थ्य दे रहा है, यही हमारी प्रार्थना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आज परमेश्वर हमसे क्या बात करने वाला है, ऐसी सोच या प्रश्न आप में जरूर होंगे। जरूर हम वचन पर चलते हैं। ठीक है, प्रेरितों काम 10 छठा अध्याय और 8वां वचन, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। स्तिफनुस, बाइबल में बताया गया है, विश्वास के साथ और सामर्थ्य के साथ परिपूर्ण होने के बाद बड़े बड़े अद्भुत करने लगा। कौन है ये व्यक्ति? आप सबको मालूम है, 3-4 वचन पहले अगर आप देखें तो वह जो है मंडली में जो है खाना परोसने का टीम एक बनाते हैं, तो उसमें स्तिफनुस था। खाना परोसने वाला यह स्तिफनुस खाने पिलाने की सेवा करता था। वह व्यक्ति विश्वास और सामर्थ में परिपूर्ण होकर अद्भुत आश्चर्य काम करने लगा। परमेश्वर किसी को भी उपयोग कर सकता है ना। वह जानवरों को भी उपयोग कर चुका है, पक्षियों को उसने उपयोग किया। क्या आपको उपयोग नहीं करेगा? क्या वो आपको उपयोग नहीं करेगा? आप एक साधारण से दीन गरीब परिवार में, एक छोटे से गांव में जन्मे हो, परमेश्वर आपको भी उपयोग करेगा। जीवन नामक एक यात्रा में क्या आप कोने पे हो गए हो, आपको उपयोग करेगा। पर एक बात मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस वचन में एक बात मैंने देखा, या स्तिफनुस विश्वास में और अनुग्रह में भरा रहा, परिपूर्ण रहा। विश्वास एक और दूसरा सामर्थ। विश्वास और सामर्थ, इसके लिए क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ के द्वारा मुझे परिपूर्ण कर, तेरा सामर्थ मुझे चाहिए। पवित्र आत्मा, मैं साधारण सा विश्वासी बनकर नहीं रह सकता। हे प्रभु, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी बिलीवर, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी बिलीवर के रूप में बदल दीजिए। यही आपकी प्रार्थना हो तो थोड़े ही समय में अगर आप देखें तो आप में से सामर्थ प्रकट होगा। आमेन। परमेश्वर को आपकी जरूरत है, आपका परिवार उसे जरूरत है। आप क्या कहते हो? मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो एक छोटा सा बेकार का नीचा व्यक्ति हूं, मैं बिल्कुल निर्बल व्यक्ति हूं। परमेश्वर आपको बताता है, परमेश्वर के लोगों, मैं तुम्हें अपने हाथ में लेना चाहता हूं। तू निराश मत हो। आंसू के इस पथ को मैं आश्चर्य से भरना चाहता हूं। अंधकार में ज्योति जरूर आएगी, वह पवित्र आत्मा उसे लाएगा। प्रार्थना करें, पवित्र परमेश्वर, इस आशीष भरे संदेश को तेरे बच्चों को तूने दे दिया है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो जो इस YouTube, Facebook के द्वारा इस आवाज को सुन रहे हैं, इस पिक्चर को देख रहे हैं, इस स्क्रीन को देखकर जो प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी लोगों पर परमेश्वर के द्वारा दिया गया अभिषेक उतरे, तेरी अग्नि उन्हें भर डाले विश्वास के वचनों से, हे प्रभु, और सामर्थ के साथ। हे प्रभु, एक खाना पिलाने की सेवा करने वाले स्तिफनुस को तो उठा सकता है, हे प्रभु, तेरे बच्चों को तू भर, तू उन्हें उपयोग कर। जो जो बोलते हैं ज्ञान और बुद्धि के विरोध में कोई नहीं रह पाए, तेरे बच्चों के विरोध में कोई भी आत्मा या मनुष्य एक ऐसे वचन की सामर्थ्य तेरे बच्चों में दे, तेरे बच्चों के बच्चों को आशीष दे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर का असीम अनुग्रह आज पूरा दिन आप में लगा रहे। परमेश्वर की इच्छा हो तो फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।
परमेश्वर की स्तुति हो। बिना भूले जरूर दूसरों को शेयर करें, परमेश्वर के राज्य को बनाएं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542636 ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।